किड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट फोर वीडियो है। जो स्टूडेंट पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो नहीं देखा थ्री का, वो जाकर पार्ट वन प्लेलिस्ट में तीनों वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखेगा। चलिए मैं कुछ सिलेक्टेड में कुछ क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। देखिएगा, जैसे कि मान लेते कोई वर्कर कोई काम करता है, ए चार दिन में करता है, बी पांच दिन में करता है और चार दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम कितने दिन में होंगे। आज वाले वीडियो में यही इसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहे, वीडियो के स्किप करके ना देखें। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपके क्वेश्चन बोर्ड पर लग जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर लगा हुआ है, ए और बी अलग अलग एक कार्य को करने में 12 दिन और 15 दिन का समय लेते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन चार दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। देखिए यहां पर दिया गया है, ए यानी ए काम करता है 12 दिन और बी काम करता है 15 दिन, और बोला गया है कि दोनों, अच्छा इसका एलसीएम बोली कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर ए काम करेगा कितना, ए करेगा एक दिन में 12, तो एक दिन में कितना मिनट करेगा, 12 × 50 = 60, 5 मिनट, 15 करेगा। बी करता है एक दिन में 15, तो एक दिन में कितना मिनट काम करेगा, एक दिन में करेगा 4। अब देखिए दिया गया है, यदि दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया से समझिएगा, एक ट्रेन बना दीजिए, ट्रेन बना दीजिए। यहाँ पर बोला गया है, शुरू में दिया गया है, यानी शुरू में देखिए दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करता है, दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करता है और बी एक कार्य छोड़कर चला जाता है, छोड़कर कौन जाता है, ए चला जाता है। तो यहाँ पर कौन काम करेगा, ए और बी काम करेगा, और ए छोड़कर चला जाता है तो यहाँ कौन काम करेगा, बी काम करेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर जैसे मान लो दो मित्र हैं, दोनों मित्र जा रहे हैं, मान लेते हैं मोतिहारी दोनों मित्र जा रहे हैं। अगर मान ले यहां से चलना प्रारंभ किया दोनों व्यक्ति, यानी चकिया स्टेशन से चलना चालू करते हैं और पीपरा स्टेशन पर एक मित्र उतर जाते हैं, तो चकिया से पीपरा तक लेता दूरी दोनों मित्र किए होंगे, ए और बी किए होंगे। लेकिन जब पीपरा में दूसरा मित्र उतर जाता है तो पीपरा से अकेले मित्र कहां जाएंगे, मोतिहारी तक जाएंगे। यानी अगर मान ले बी उतर गया यानी ए उतर गया है, तो आपके पास क्या बचेगा, बी बचेगा। तो सेम यही चीज यहां पर बता रहा है, कहने का मतलब इसको समझ गए ना, डायग्राम को जब समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए दिया गया है, दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं लेकिन चार दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 4, 9 × 4 बोलिए कितना हो जाएगा, 36, दिखाई दे रहा है ना, 36। टोटल काम आपका कितना है, 60 काम आया है, लेकिन 36 काम कौन किया, ए और बी दोनों मिलकर काम करता है, तो क्या कीजिए यहां से 36 घटा दीजिए, तो शेष काम कौन करेगा, 60 में से 36 जाएगा, तो घटाइए कितना हो जाएगा आपका, यानी आपका 24 हो जाएगा। ये 24 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बोलिए बी बराबर बी का कितना हो जाएगा, बी का इफिशियंसी कितना है, 4, तो बी का बोलिए काम वर्क बटा इफिशियंसी, तो 24 अब बटा बोलिए कितना हो जाएगा, 4 काट दीजिए, यानी 6 दिन लगेगा, यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आई, उतारिए इसको। ये डायग्राम बनाना जरूरी है, दिया गया था दो व्यक्ति थे ए और बी, ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो बोला गया है दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ ए और बी काम प्रारंभ करता है लेकिन चार दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। जब एक कार्य छोड़कर चला जाएगा तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक आपका जो भी काम करेगा दोनों मिलकर काम करेगा, दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों का इफिशियंसी बोलिए कितना होता है, 5, 4, 9, और काम कितना दिन तक किया है, 4 दिन तक ले किया है, वर्क इनटू इफिशियंसी किया 36 काम, टोटल काम कितना आया था, 60 काम टोटल आया था आपके पास, लेकिन 36 काम दोनों मिलकर किया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 24 बचा, तो 24 से कौन करेगा, बी करेगा, तो बी का बी बराबर क्या लिखेगा, वर्क बटा इफिशियंसी 24 का टोटल काम, इसका बी का काम बचा है और इसका इफिशियंसी 4, इसको काटिए 6 दिन लग जाएगा, कहने मतलब। चलिए इसको उतार लीजिए, वीडियो के आप रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं, ये एक नंबर क्वेश्चन था आपका, एक नंबर क्वेश्चन था, चलिए मिटा रहे हैं इसको। दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए दो नंबर क्वेश्चन, बोर्ड पर लग गए होंगे, दो नंबर क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो नंबर भी क्वेश्चन आपका दिया गया है, पढ़िएगा। दिया गया है, ए एक कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है
और बी उसी कार्य को करने में 18 दिन का समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है तो बी को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। सेम यही क्वेश्चन था, देखिएगा, एक काम करता है और बी करता है, ए का काम कितना दिया गया है, ए 12 दिन और बी 18 दिन करता है, ए 12 दिन और बी 18 दिन किया करता है। चलिए अब यहां से देखिए, बोला गया एक डायग्राम बना दीजिए, ट्रेन बोला गया है दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं लेकिन एक कार 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। देखिए दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, ए और बी काम प्रारंभ करते हैं, कहने का मतलब दोनों एक साथ, लेकिन एक काम छोड़कर चला जाता है। तो ए जब छोड़कर चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका, बी अकेले काम करेगा। तो बोलिए यहां पर देखिएगा, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, दोनों का एफिशिएंट बोलिए कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम बोलिए 36 हो जाएगा। तो 36 क्या हुआ, टोटल काम हुआ, 36 क्या हुआ, टोटल काम हुआ। अगर ए करता है, ए कोई काम करता है 12 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 12 + 36 3 यूनिट काम करेगा। बी करता है 18 दिन में, तो 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। तो देखिए यहां पर दिया गया है दोनों काम प्रारंभ करते हैं लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, काम कौन करेगा, बी करेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी बोलिए कितना हो जाएगा, जोड़िए 3 × 2 = 5, यानी 5 × 2 यानी 2 ही दिन तक काम करता है, कहने मतलब 2 दिन तक कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10। टोटल काम कितना था, 36, इसमें से 10 काम निकल लेगा, दोनों मिलकर करेगा तो कितना काम बचेगा आपका, बचेगा 26 काम बचेगा। ये 26 काम जो है ना बी अकेले करेगा, शेष काम बी करेगा, कहने मतलब तो बी अकेले करेगा। तो बोलिए 26, अब बी का एफिशिएंसी बोलिए कितना है, बी का एफिशिएंसी 2 है, काट दीजिए कितना हो जाएगा, 13 दिन हो जाएगा, 13 दिन हो जाएगा। चलिए यहां तक उतारिए, ये आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ, कहने का मतलब। यहां पर 2 प्रश्न दिए थे, ए और बी दोनों मिलकर काम किए 36, करने का मतलब यहाँ इसका निकाल लिया टोटल वर्क कितना निकाला है, 36, और बोला गया दोनों मिलकर काम करते हैं और ए 2 दिन पहले मतलब 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो देखिए यहां पर क्या किया, यहां पर ए और बी दोनों करेगा तो 5 × 3 और 2 = 5 इसका एफिशिएंसी जुड़ जाएगा और 2 दिन तक 10, 36 में से 10 घटेंगे 26 बचेगा और बी का अकेला शेष काम करेगा, कहने मतलब बी यही पूछ रहा था यहाँ पर, तो बी करेगा कितना, 13 दिन में करेगा, कहने मतलब। चलिए अब आपसे पूछेगा टोटल काम कितना दिन में हुआ, टोटल काम पूछेगा कितना दिन में हुआ। तो देखिए अगर ये 13 दिन में किया है, कितना दिन में किया है, 13 दिन में किया है, और ये कितना दिन में किया है, 2 दिन में किया था, 13 × 2 कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। 15 दिन में क्या होगा, टोटल काम आपका समाप्त हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। वीडियो के आप रोक कर इस सारी चीज को नोट कर लीजिएगा, चकिया और मोतिहारी वाले 2 फ्रेंड हम बताए हैं, उसको मत भूलिएगा, समझ गए ना, उसको मत भूलना है, उसको नहीं भूलिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, ए एक कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है और बी उसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। देखिए यहां पर अब बी कार्य छोड़ रहा है, यानी दिया गया है एक कार्य 15 दिन में, बी 20 दिन में। एक कार्य करता है 15 दिन और बी कार्य करता है 20 दिन, बोलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो जाएगा, ए करता है कोई काम 15 दिन में, तो 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 15 × 4 = 60, 4 करेगा। बी करता है 20 दिन में, तो 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 20 × 3 = 60। देखिए बोला गया है दोनों एक साथ कार को प्रारंभ करते हैं, एक लंबी ट्रेन बना देंगे, दोनों क्या करेंगे, दोनों एक साथ कार प्रारंभ करता है, दोनों को क्या करेंगे, एक लंबी ट्रेन बना देंगे। देखिए ए और बी काम तो चालू किया गया होगा, एक साथ कार प्रारंभ करते हैं लेकिन बोला कि 4 दिन बाद बी कार छोड़कर चला जाता है, तो बी कार छोड़ देता है। तो यहां तक लगता है बी काम किया होगा, 4 दिन बाद जाता है, कहने मतलब। चलिए अब देखे तो अगर बी कार छोड़कर चला जाता है तो कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो यहां पर यानी देखिएगा 3 और 4 कितना होगा, 7, दोनों मिलकर काम कितना करता है, इफिशियंसी से 7, लेकिन 4 दिन तक काम करेगा, 7, यानी कितना होगा, 7 × 4 = 28। टोटल काम कितना आया था, 60, 60 में दोनों मिलकर काम कितना किया,
28 काम किया, तो बोलिए कितना शेष काम बचेगा, करने का मतलब इसमें से घटाइए 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ 5 में से 2 5 में से 2 गया तो कितना हो 3, ये 32 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो बोलिए ए का बोले निकालिएगा 32, इफिशियंसी बोलिए कितना है 32, इफिशियंसी ए का कितना है 4, 4 से काटिए कितना हो जाएगा, यानी आपका 8 × 32 यानी 8 दिन में काम करेगा शेष काम, ये इसको नोट कीजिए उतारिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एक बात, ये ट्रेन आप याद रखिएगा, दो दोस्त है चकिया स्टेशन से बैठा है और पिपरा में कोई दोस्त उतर गया और उसके बाद जो दोस्त बचेगा उसको भी मोतिहारी जाना है, तो बस सिंगले वाला था उसे बना दिए। इस टाइप के क्वेश्चन में जब तक ले इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा बहुत आसानी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला बताते हैं कहने का मतलब, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कहने का मतलब। वीडियो के आप रोक कर इस सारी चीज को उतार लीजिएगा, कहने का मतलब वीडियो के रोक कर आप उतार लीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर, 3 हो गया था ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए एक कार को करने में 12 दिन का समय लेता है और भी उसी कार को 20 दिन का समय लेते हैं। यदि वे एक साथ कार प्रारंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद भी कार छोड़ देता है तो ए शेष कार को करने में कितना समय लगेगा। चलिए दिया गया है यहां पर, देखिएगा एक कार करने में 12 दिन और 20 दिन का समय लेता है, एक कार करता है 12 दिन में और बी करता है 20 दिन में। चलिए बोलिए 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 क्या हो गया टोटल काम हो गया। अगर ए करता है एक दिन में 12, माने एक कोई काम करता है 12 दिन में तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 5 यूनिट काम करेगा। अगर बी करता है करने का मतलब 20, बी कोई काम करता है 20 दिन में तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा। चलिए बोला गया है दोनों एक साथ कार को प्रारंभ करते हैं, दोनों क्या करते हैं एक साथ कार को प्रारंभ करते हैं, क्या बोलेंगे ट्रेन वाला लाइन बना देंगे, दोनों एक साथ कार प्रारंभ करेगा लेकिन 3 दिन का बोला गया है, लेकिन 3 दिन बाद बी कार छोड़ देता है। भाई साहब जब बी कार छोड़ देगा तो कौन काम करेगा, ए करेगा, बी कार छोड़ देता है 3 दिन बाद, 3 चलिए दोनों काम किया होगा ए और बी काम किया होगा तब करने मतलब यहां से लेकर यहां तक ले, तो बोलिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, मतलब जोड़ दिए 5 3 8, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 24, यानी टोटल काम कितना था 60, 60 में से 24 काम दोनों मिलकर कर देगा तो बोले शेष काम कितना बचेगा, यानी 36 काम बचेगा। 36 काम कौन करेगा, अब शेष व्यक्ति यानी ए करेगा, करने का मतलब तो बोले ए का पूछा है ना, हाँ तो ए को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, बोलिए ए का शेष काम टोटल काम कितना बचा शेष 36, अब बटा ए का एफिशिएंसी बोलिए कितना है 5, यानी 7 सही, यानी 7 पूर्णांक 1/5 दिन लगेगा ए को काम करने में, यही क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर हुआ, इसको उतार लीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, पूरा क्लियर आपका कंसेप्ट भी हो गया। इसको कैसे बनाना है, पहले क्या कीजिएगा ट्रेन बनाना जरूरी है, जब तक आप ट्रेन ना बनाएंगे तब तक ले आपको इस सारी बात करने का मतलब समझ में भी नहीं आएगी, करने का मतलब इसलिए इसको आप एक बार दो बार तीन बार इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग स्टैंडर्ड है, कुछ चेंज करते हैं करने मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में स्टैंडर्ड है, इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा सारे कोई स्टूडेंट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए और बी एक कार को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन कुछ समय बाद बी को कार छोड़ देता है, बी कार छोड़ देता है, यदि कुल कार 16 दिन में पूरा हुआ तो बी कितने दिन में कार छोड़ा। चलिए देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ए और बी 20 दिन और 25 दिन दिया गया है, ए करता है कितना 20 दिन और बी करता है कितना 25 दिन, तो बोलिए 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा, ये टोटल काम कितना हुआ 100 हो गया। 20 एक कोई काम करता है 20 दिन में तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 5 यूनिट काम करेगा, और बी करता है 25 दिन में तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा 4 यूनिट करेगा।
अब देखिए वही बना दिए ट्रेन, जैसे ट्रेन बनाते हैं, कहने का मतलब बना दिए। दिया गया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा थोड़ा गौर से, यहाँ पर दिया गया है दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि अच्छा दोनों ने काम, देखिए ए और बी काम प्रारंभ किया लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। यहाँ मैंने नहीं दिया गया है कितना दिन बाद छोड़ा, कितना दिन पहले दिया, लेकिन कुछ दिया है, यानी क्रम में ए और बी ने कोई काम प्रारंभ किया लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया। उसके बाद आगे डाटा दिया गया है, आगे डाटा क्या दिया गया देखिएगा, कि कुल कार्य 16 दिन में पूरा हुआ, ये टोटल कार्य कितना दिन में हुआ शुरू समाप्त हुआ, 16 दिन में पूरा हुआ, 16 दिन में क्या हुआ समाप्त हुआ। तो देखिए ए और बी ने कार्य प्रारंभ किया लेकिन कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, जब बी काम छोड़ेगा तो काम कौन करेगा, ए करेगा। शुरू से लेके अंत ले देखिए कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। शुरू से लेके अंत ले कौन काम किया है, ए किया है। तो यानी देखिए शुरू से लेके अंत ले ए काम किया, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, यानी टोटल काम कितना दिन में समाप्त होता है 16 दिन में, था 16 गुना 5 कर दीजिए बोलिए कितना हो गया 80। ये 80 काम जो है ना कौन किया होगा, कहने मतलब 80 काम कौन किया होगा, ए किया होगा। तो टोटल काम आपके पास कितना है 100 में से 80 काम को घटा दीजिए, कहने का मतलब बोलिए कितना बचा 20 आया, कितना आया 20। लेकिन 20 ई आया तो 20 कौन काम करेगा, बी करेगा, कहने का मतलब 20 का एफिशिएंसी बी का कितना है 4, तो 4 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा, यानी 5 दिन बाद काम छोड़ दिया गया होगा, 5 दिन क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इस क्वेश्चन में, थोड़ा एक बार और समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में दिया था दो चीज, यानी दिया था ए कोई काम करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में, दोनों एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद, यानी देखिए कुछ दिन समय नहीं दिया हमने यहाँ पर, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, जब बी काम छोड़ देता है तो कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो देखिए शुरू से लेकर टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाते हैं 16 दिन में होते हैं। तो देखिए शुरू से लेकर अंत ले कौन काम कर रहा है, ए काम किया है। शुरू से लेकर अंत ले कौन काम किया है, ए काम किया है। देखिए शुरू से लेकर ए कौन एक काम किया है, शुरू से अंत ए काम किया है। ए का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 16 गुना 5 80, यानी ए ने 80 काम किए तो शेष काम कौन किया होगा 20, शेष घटा देंगे 20 तो 20 कौन किया होगा, बी किया होगा। तो बी का एफिशिएंसी बोले कितना है 4 से भाग दिए 5 दिन आपका करेक्ट आंसर है। इसको वीडियो को रोक कर उतार लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन होता है, कितने मिनट का हो वीडियो, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कहने का मतलब 6 नंबर, वीडियो के आप रोक कर इसको उतार लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आपके लग गए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, 25 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ किया, यदि कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे तो कार्य समाप्ति में कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए ने काम किया कितना दिन 20 दिन, बी ने काम किया कितना 25 दिन, बोलिए 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, ये क्या होगा टोटल काम होगा। ए और बी यहां पर ट्रेन बना देंगे, देखिए यहां पर दिया क्या गया है, दिया गया है यदि दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ किया, दोनों एक साथ क्या किया कार्य प्रारंभ किया, ए और बी कार्य प्रारंभ किए, ए और बी कार्य क्या किया प्रारंभ, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, यदि कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। देखिए दोनों ने कार्य मैंने क्या किया ए और बी कार्य प्रारंभ किया लेकिन कार्य समाप्ति अंत से देखेंगे, कार्य समाप्ति के पहले कौन कार्य छोड़ रहा है, कार्य समाप्ति के पहले कौन कार्य छोड़ा है बी छोड़ रहा है, कौन छोड़ा काम बी छोड़ा। तो देखिए तो बी जब छोड़ा तो कौन काम किया होगा एक किया होगा, यानी कितना दिन पहले काम छोड़ता है 11 दिन छोड़ता है, कितना दिन छोड़ता है 11 दिन छोड़ता है। चलिए ए छोड़ता है एक, अच्छा यहां से पहले निकाल लीजिए ए करता है करने मतलब इतना, तो पहले यहां देखिए ए करेगा 20 दिन 25 दिन तो टोटल 100 हो गया, तो ए करता कोई काम 20 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 और कितना करेगा 4 यूनिट काम करेगा। चलिए अब यहां से देखिए दिया गया है ए और बी कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन अंतिम से 11 दिन पहले, यानी 11 दिन पहले दिया गया आपके क्वेश्चन में दिया गया है
यानी यदि कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले, कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, कौन छोड़ता है काम? बी कार्य छोड़ देता है। जब बी कार्य छोड़ेगा तो काम कौन करेगा? ए करेगा। ए करेगा तो ए का एफिशिएंसी बोले कितना है? 5। यानी कितना हो जाएगा ये 11 × 5 = 55। 11 × 5 = 55। तो टोटल काम कितना हुआ? 100। 100 में से 55 को घटाइए तो 100 में से 55 घटाए तो कितना होगा? 45 हो गया। ये 45 हुआ कौन काम करेगा? 45 जो हुआ कौन काम करेगा? आप 45 जो हुआ आपका कौन काम करेगा? यानी बी 45 काम। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यानी प्रारंभ के यदि कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे तो कार्य समाप्ति में कुल कितने दिन लगेंगे? तो बोलिए कार्य समाप्ति में कुल कितने दिन लगेंगे? तो चलिए कार्य समाप्ति में कुल कितने दिन लगेंगे? चलिए अब बोलिए ए और बी यहां काम करेगा। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, 4, 9। तो बोलिए कितना हो गया? कहने मतलब 45 बटा कितना हो जाएगा? 9। काटिए कितना दिन? 5 दिन। चलिए अब देखिए आपसे पूछा है, कहने का मतलब आपसे क्या पूछा है, कहने का मतलब तो कार्य समाप्ति में कुल कितने दिन लगे? बोलिए यहां कितना दिन लगा है? यहां 11 दिन लगा है और यहां कितना दिन लगा है? 5 दिन लगा है। तो 11 और 5 दोनों को जोड़िए कितना दिन होगा? यानी 16 दिन में कुल कार्य समाप्त होगा। आपका 16 दिन आंसर करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना? चलिए देखिए यहां से फिर देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहां से क्वेश्चन को देखिए, पहले बोला गया है ए कोई काम करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ए कोई काम करता है 20 दिन में तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 5 यूनिट करेगा। बी करता है 25 दिन में तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 4 दिन करेगा। अब देखिए डायग्राम को समझिएगा। ए और बी कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन कार्य समाप्ति से 11 दिन पहले बी छोड़ देता है। कार्य समाप्ति के दिए गए क्या? क्या दिया गया हो? कार 11 दिन पहले बी कार छोड़ देता है। तो देखिए ठीक है, बी कार छोड़ देता है तो कौन काम करेगा? ए काम करेगा। ए काम करेगा बोलिए ए का कितना? 11 दिन पहले तो 11 ए का एफिशिएंसी कितना है? 5। यानी 55 हो जाएगा। तो 100 में से 55 काम घटेगा तो 45 काम। ये 45 काम जो है ना ए और बी मिलकर काम करेगा। जैसे ए और बी मिलकर 45 काम करेगा तो 45 क्या हो जाएगा? वर्क। इसका एफिशिएंसी बोलिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। इसको काटेंगे 45 में 4 से तो कितना हो जाएगा? यानी 9 से काटिए कितना? 5 दिन हो जाएगा। अब ऐसे जोड़ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ई काम किया कितना है? ए और बी काम किया कितना? ए और बी काम किया कितना दिन में? करना मतलब 5 दिन में। 5 दिन में किया, देखो 5 दिन। अच्छा बताइए डे इन, ये आपका क्या है? वर्क इंटू इफिशियंसी बराबर क्या होता है? वर्क होता है। यानी वर्क इंटू इफिशियंसी क्या होता है आपका? यानी आपका क्या दिया गया है यहाँ पर? वर्क बराबर टाइम इंटू कितना होता है? इफिशियंसी होता है। तो बोले 5 गुना ए और बी का इफिशियंसी कितना है? 5, 4, 9। बोले कितना होगा? 45 काम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, ए क्या निकाले? ए निकाले। ए बोले कितना कर रहा है? 11 दिन में कर रहा था। ए का इफिशियंसी कितना है? 5। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना? 11 × 5 = 55। चलिए दोनों काम 100 दिन हुआ, टोटल काम कितना था? 100 था आपका। टोटल काम कितना था? 100। तो टोटल काम 100 आया, 100 तो आ ही गया। आपसे क्या पूछा था? टोटल कितने दिन में समाप्त होंगे? तो 11, 5, 16 दिन। आंसर क्या था? 16 दिन आंसर आपका होगा। बात समझ में आ गई होगी कहने मतलब? बढ़िया से सबको पार्ट बाई पार्ट छटका दिए ताकि थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, इस पर एक दो क्वेश्चन और मैं लेकर आऊंगा, रहने देते हैं क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर डालने में थोड़ा परेशानी होती है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।